Assalamu alaikum. Welcome to the Zheel Sciences. Welcome to the health, happiness, success, and welcome to the world's most powerful healing system, SAMDA, and welcome to the natural way of healing. Zheel Sciences is like a very एक ही वक्त में बहुत सारी बीमारियों को क्योर करती है। इसके अलावा इसके जो मैंने जो लेवल्स किए हैं, मैंने पहले 8 लेवल्स किए, उसके बाद मुझे और शौक पैदा हुआ, उसके बाद मैंने मास्टर किया इसमें, और अब मेरी जो पावर है इसमें वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और मैंने इसके जरिए बहुत सारे मरीजों का उसी बीमारियों का इलाज किया। मसलन इसमें सबसे पहले मैंने इलाज किया है अपना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, और इस समदा हीलिंग एनर्जी से जब मैं डिप्रेशन में मुबतला होता हूँ तो इसको मैं इसके जरिए मैं अपने आप को क्योर करता हूँ, सेल्फ हीलिंग करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ना 5 मिनट के अंदर अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अदर्स के जो मैंने क्योर की हैं बीमारियाँ, उसमें वो सबसे पहले मैंने एक मरीज को जो कि पायल जिसको कहते हैं बवासीर, उसका मैंने इलाज किया, कलर थेरेपी के जरिए मैंने उसका इलाज किया, और माशाल्लाह आज तक वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और सर दर्द तो मामूली सी एक चीज़ है कि जो कि समझा के एक ही लेवल से जो है कि सर दर्द रिमूव हो जाती है, जो कि अक्सर लोगों को इसकी शिकायत रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ, पेट की बीमारी है, सर दर्द की मैंने जिक्र किया, उसके अलावा और जो है लीवर की प्रॉब्लम, बैक बोन की प्रॉब्लम, और भी जो जो इसमें शियाटिका की प्रॉब्लम है वो भी मैंने क्योर की है मरीजों के मुख्य जो थे, और इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियाँ और जो कि इससे 100% की ओर होती है समदा हीलिंग एनर्जी से, और इंशाल्लाह मेरा मज़ीद इसमें मज़ीद आगे जाके मज़ीद लेवल करने का प्रोग्राम है, ताकि मैं मज़ीद लोगों की और अपने आप की भी हीलिंग कर सकूँ और हिम्मत कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कारी अब्दुल है, ज़िला ननकाना से मेरा ताल्लुक है। मैं गुज़श्त 1 साल से ज़्यादा अर्सा हुआ मुझे ज़िल सेंसेस को इख्तियार किए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि चूँकि मेरा एक मजहबी गिराने से ताल्लुक है, और बचपन से जब से मैंने ये संभाला तो मुझे रूहानी उलूम की और रूहानियत की बहुत तलब थी, तो इसलिए मैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों से उससे सिलसिला में मिलता रहा, लेकिन जब मैंने नेट पर डॉक्टर साहब को सर्च किया, और अक्सर मैं लफ्ज रूह जो है या रूहानी लिख कर इसको सर्च करता, तो मुझे नेट से डॉक्टर साहब मिले, और फिर मैंने यहाँ पे लाहौर की होटल में आके उनका पिछले जनवरी में मैंने क्लासेस की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो कुछ पाया जो इससे पहले मैंने ज़िंदगी में हासिल नहीं किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने लेवल 1 से लेकर 8 तक किया, फिर HMF भी किया, और इतने जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं, तो आगे इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैंने इंशाल्लाह इसमें मास्टर और ग्रैंड मास्टर तक भी करना है। तो ये करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मुराकबा जो इससे पहले मैं सुनता आया कि हमारी रूहानी दुनिया का तो बेहतरीन अमल है, तो मुराकबे की कैफियत ये थी कि दौरान क्लास ही कि जिस ख्वाहिश को मैं एक अरसा तक ले कर चलता रहा, तो दौरान क्लास ही मैं मुराकबे की ऐसी गहरी कैफियत में चला गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरी ज़िंदगी का हासिल था वो मुझे वहाँ पर हासिल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुराकबा बहुत ही पावरफुल है जो डॉक्टर साहब को आते हैं, तो बाकी मुराकबे के लिए तो बहुत इंसान को कोशिश करना पड़ती है, रिजर्व करने पड़ते हैं, बहुत से चिले काटने पड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही मुख्तसर से दौरानिए में बिल्कुल चंद कह लें कि मिनटों में जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट देते हैं, उससे इंसान का ताल्लुक उस दुनिया से हो जाता है
कि इंसान बहुत ही जल्द उस कैफियत जो है उनको पा लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले से भी मैं इससे मुस्तफ़िद था रूहानी दुनिया से, तो जब से यहाँ पे डॉक्टर साहब से मुस्तफ़िद हुआ तो मैंने इस रूहानी इल्म को सीख कर, मैं तो इसे रूहानी इल्म ही कहूँगा क्योंकि जितनी भी शिफा है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है, और कभी भी शैतान जो है या शैतानी कुवतें जो हैं वो इंसान को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से डॉक्टर साहब को ख़ास अता हुआ है, जो डॉक्टर साहब हमें ये अता कर रहे हैं और इसके ज़रिए से बेशुमार लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो मैंने जब ये जिस सेंस में आया और मैंने इन उलूम को सीखा तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका मैंने इलाज किया, सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे सीखा और सीखने के बाद गया तो कैसी बच्ची थी जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थी और 3 साल से वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो यहाँ से वो जब वापस घर चले गए तो बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी, तो उसके घर वालों ने मुझे आके बताया कि कर सर आप ज़रा मेहरबानी करें हमारे साथ हैं। तो मैंने जब पहले दिन उसको हील किया तो दूसरे दिन फिर मुझे उन्होंने कहा कि कर सब आप आए, उसकी हालत काफ़ी बेहतर है। तो वो बच्ची जो एक अरसा से बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी वो 3 दिन मेरे हील करने से वो अपने सहन के अंदर जो है वो चलना फिरना उसने शुरू कर दिया, और एक अरसा के बाद उसने वो बता रही थी कि मैंने आज पेट भर के जो है वो घर का खाना जो है वो खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही एक वो ऐसी औरत थी कि जिसका दर्द शकीक है, उसके सबका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था, और वो बता रही थी कि ये मुझे शादी से भी पहले कहे और आज उसके पास 3-4 बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन तक उनकी हीलिंग की, तो जो लेवल मैंने सीखी थी उनसे उसका 3 दिन सिर्फ इलाज किया, तो आज के दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है और उनको उसके बाद अभी तक किसी भी उसका पेन नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे लोगों को भी कहूँगा कि ये जो इल्म है बहुत ही अच्छा है, और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से हमें यहाँ पे ये करवा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कम कीमत है। ये कह लें कि मुझे या हम सबको ये डॉक्टर साहब जो है वो एक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो ये बहुत बड़ी नेमत है इसको फ्री में बांट रहे हैं, और जितने पे ये डॉक्टर साहब सिखाते हैं ये बिल्कुल मामूली से मतलब वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चेंजिंग जो है वो महसूस की, और लोगों के साथ जो तल्लुकात थे मेरे वो पहले से काफ़ी बेहतर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब लोग इतने आते हैं इलाज के लिए कि मैं चूँकि पेशे इमाम भी हूँ तो जो मैं मस्जिद में आता हूँ नमाज पढ़ाने के लिए तो नमाज के बाद लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि कर सब कब फारग होते हैं तो हम इनसे दम करवाएँ, तो आम लोग इसको दम ही कहते हैं। तो एक ख़ास तरीका जो हमने सीखा है उसके जरिए से हम हीलिंग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं कि जो इससे बिल्कुल ठीक हुए, और आगे भी इंशाल्लाह चूँकि हमने इस मिशन को आगे चलाना है और हमारी ख़ास है कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने इस इल्म को लोगों में बांटा तकसीम किया, तो हम मेरा भी यही मिशन है कि मैं भी इंशाल्लाह इस इल्म को आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा और इंशाल्लाह इसको लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी फलाह के लिए और उनको एक अच्छी ज़िंदगी से इतवर जो है वो गुजारने के लिए उनको मैं इंशाल्लाह इस इल्म से बहरामंद करता रहूँगा। और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो नदीम यूसफी साहब हैं, उन्होंने भी मेरे साथ किया था, तो जब से उन्होंने भी समदा किया है तो बेशुमार लोगों की उन्होंने भी हीलिंग की, और आज तक सैकड़ों लोग हैं कि जिनको हमने हील किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आज तक ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको शफा अता फरमाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि डॉक्टर साहब का हम बार बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इल्म कि जिसको सीखने के लिए बड़े बड़े रियाजतें करनी पड़ती हैं, बहुत बड़े बड़े चीले काटने पड़ते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जैसे दुनिया ये मादी दुनिया में बहुत सी तरक्की हो रही है और लोग जो हैं वो बहुत से काम जो पहले महीनों में सालों में हुआ करते थे आज वो जदीद जो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जो अक्ल और शऊर दिया है तो इस जिद्दत के साथ उन चीज़ों को बना रहे हैं, अपना रहे हैं। तो मैं कहता था कि रूहानियत में क्यों ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो चंद लम्हों में या चंद दिनों में जो है वो इस मंजिल को पा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये समदा हीलिंग एनर्जी है कि जो सिर्फ हमें मुख्तसर से वक्त में इस काबिल बनाती है कि हम ना सिर्फ खुद बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं बल्कि लोगों को भी इससे हम शफाई ताकत जो है वो फराहम करते हैं और उनकी बीमारियां बिल्कुल क्योर हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का और आप लोगों का बहुत तहे दिल से मशहूर हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया इंसानी खिदमत करने का, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम लोग जो दुखी हैं, दुख दर्द वाले हैं, उनके दुख दर्दों को बांटें, उनके दुख दर्दों को हम दूर कर सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको खैर वफ़ियत के साथ
इस मंजिल मकसूद पे पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। हम सीखेंगे बॉडी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए ताकि जिंदगी में हर मैदान हर जगह हर जगह पे हम सुरखरू रहे, अच्छे रहे, पावरफुल रहे और कामयाब रहे। हमारे नेचुरल हेल्थ अच्छे हो, हमारे फिजिकल हेल्थ अच्छे हो, ये तमाम चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर आज इंशाल्लाह। तो हम आते हैं कि एक और पावर है जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद है लेकिन हमें पता नहीं। वो पावर है समदा। एक ऐसी हीलिंग पावर हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है जो हमें मेंटेन रखते हैं, हमें पावरफुल रखते हैं, हमें साइंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइंस के हवाले से हमें ताकतवर रखते हैं, हमें पावरफुल रखते हैं, हमारे हर चीज का ख्याल रखते हैं। आपकी हर स्किन जो है, सिर्फ स्किन, आपकी हर लहजा चेंज हो जाती है, सॉरी हर लहजा नहीं, 27 डेज बाद चेंज हो जाती है। वजह क्या है? क्योंकि मुर्दा सेल्स खत्म हो जाते हैं, नए सेल्स बनते, नए खुलिए बनते और मुर्दा खुलिए जो है ना फिनिश हो जाते हैं। और इस तरह करोड़ों मुर्दे आपके जिन का काम है, हम आते हैं कि एक सेल के अंदर जो आपके है वो ताकत है, वो फोर्स है, हीलिंग पावर है, हीलिंग सोर्स है, हीलिंग फंक्शंस है, हीलिंग सॉफ्टवेयर है। तो एक सेल के अंदर कहा जाता है कि कई बिलियन फंक्शंस है एक सेल का, एक खुलिए का कई बिलियन फंक्शंस है। तो बताएं कि हम अभी तक खलिए में क्या देखते हैं? खलिए में हम क्या देख रहे होते हैं? मेन स्ट्रक्चर जो खलिए का है, हम समझते हैं कि वो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है और फिर उसके अंदर अंदर आरएनए है, डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया है, एसिड्स है, एंजाइम्स है वगैरह, ये चीजें हम समझते हैं। और बस बाकी थोड़ा तफसील और भी है इसके, मगर मेडिकली आगे हम पढ़ते हैं, मेडिकली हम देखते हैं कि इसमें कई मिलियन फंक्शन है एक सेल के अंदर। जो एक सेल, कितने सेल्स है आपके वजूद में? 100 ट्रिलियन सेल्स आपके वजूद में मौजूद है। 100 ट्रिलियन खरब खलिए आपके वजूद बना हुआ, आपका जो वजूद है वो 100 खरब खलियों से बना, 100 खरब। तो ये जो आपका है वो 100 खरब, हर ये हर खलिए में एक मिलियन से कई मिलियन से ज्यादा फंक्शन है। हम आते हैं कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम, चलो ये बातें अभी इसी जगह पे, मगर हम आते हैं अगर मकसद की तरफ कि एनवायरनमेंट में जिस तरह आप हैं, जिस तरह आप मौजूद हैं, ये एनवायरनमेंट क्या आपके लिए मौजूद है? क्या आपके लिए एनवायरनमेंट मौजूद है? क्यों है? क्योंकि अगर हम यहाँ से खला में फिजा में जाएं स्पेस में, वो एनवायरनमेंट हमारे लिए मौजूद इसलिए नहीं है कि वहां पर हीलिंग पावर नहीं है। हमारे इर्द-गिर्द इंसान के इर्द-गिर्द जो क्या क्या होना चाहिए, इंसान के इर्द-गिर्द क्या होनी चाहिए? हीलिंग पावर होनी चाहिए, वरना वो उसके वजूद धुआं बन जाते हैं, खत्म हो जाते। इसलिए जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं यहाँ पर हीलिंग पावर, यहाँ पर फोर्स है, हर लहजा आपको मेंटेन रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, पावरफुल रखते हैं, ताकतवर रखते हैं जिस एनवायरनमेंट में। तो साइंस ने साबित किए है कि इंसान एक ऐसी ताकत है, ये यूनिवर्स में एनर्जी फैलते हैं इनसे,
यूनिवर्स में एनर्जी चलते ही हैं, ये ताकत है, ये फोर्स है, ये पावर है, उनके अंदर एनर्जी ताकतें हैं, फोर्स है। ये एनर्जी हम एजी मशीन के जरिए देखते हैं कि ये एनर्जी देता भी है और ये एनर्जी लेता भी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, ये एनर्जी अंदर से क्रिएट करते हैं, कायनात में फैलते हैं और ये कायनात से रिसीव भी करते हैं। इंसान एक इतनी बड़ी ताकत है, पावर है, आज साइंस आपको दिखाते हैं। और दीन ने तो कब से कहा है आपको कि आप अशरफुल मखलूकात है, आप बड़ी ताकत है और जो कायनात का क्रिएटर है उन्होंने आपके अंदर ताकत फूकी है। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद वसीम है, मुझे तकरीबन 7-8 माह हो गए हैं, मैंने जीत साइंस का स्टूडेंट हूँ, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने तकरीबन 4 लेवल किए हैं और ये लेवल जो मैंने किए हैं 4, इसमें माशाल्लाह मुझे बहुत कुछ इल्म हासिल हुआ है। मैंने बहुत लोगों का इलाज भी किया है और आज जिस स्टेज पर मैं हूँ, बिलखसूस पीर मोहम्मद अनवर खान साहब की नज़र करम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब को सच भी बहुत ज़्यादा किया है यूट्यूब में, और बिलखसूस पीर साहब की नज़र करम से मैंने अलहम्दुलिल्लाह 4 लेवल किए हैं और 4 लेवल में मुझे बहुत कुछ मिला है और मैंने काफ़ी लोगों का इलाज किया है। बिलखसूस मैं यहाँ अपने घर वालों का जिक्र ज़रूर करूँगा कि जिनकी मेहनत है और मोहब्बत है, उन्होंने मुझे इधर आने का मौका अदा किया और पीर साहब की नज़र करम से मुझे यहाँ तक पहुँचने का शरफ अदा हुआ। और मैं डॉक्टर साहब का भी इंतहाई मशहूर हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह अपने स्टूडेंट को इतनी प्यार तो मोहब्बत से ये ज़ील साइंस के बारे में और समदा हीलिंग एनर्जी पावर में बताते हैं और 4 लेवल में मैंने किए हैं और मैंने इस तरीके से लोगों का इलाज किया है कि लोग मानते ही नहीं थे कि आप ये कर रहे हैं। तकरीबन मैंने एक ज़ईफ़ औरत है, उनकी बाजू में तकरीबन 5-6 माह से उनके बहुत ज़्यादा मसला था, उनकी बाजू नीचे से ऊपर तक नहीं आती थी और मैंने तकरीबन 4 लेवल उन पर एक हफ्ते तक मैंने उनको समदा हीलिंग किया है और एक हफ्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनका बाजू काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, जो हिलता भी नहीं था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास करम है, खास अता है कि जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब की नज़र करम से हम सबको मिला है। और मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने घर वालों का, बिलखसूस अपने बड़े भाई का कि जिनकी मोहब्बत से और शौक़ से मुझे यहाँ तक आने का मौका अता हुआ और मुझे 4 लेवल में इतना कुछ मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आगे अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 5 भी करने का जहन है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगा। और मैं एक बार फिर इंतहाई मशहूर हूँ डॉक्टर अब्दुल समद साहब का, जितनी प्यार और मोहब्बत से लोगों को समदा हीलिंग एनर्जी पावर के बारे में बताते हैं और दूसरों का इलाज करने का तरीका भी बताते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अब्दुल समद की स्टूडेंट। हम 2 साल पहले हम लोगों ने टीवी चैनल पर देखा कि सर बता रहे थे कि समदा हीलिंग बहुत पावरफुल एनर्जी है। हमने ट्राई किया कि समदा हीलिंग नेचुरली तौर पर ना, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और बहुत बीमार आ करती थी, ना ही दवाई खानी ना ही कुछ करना। लेकिन जब मैं डॉक्टर अब्दुल समद का देखा कि ये सिर्फ हीलिंग से ही ठीक होती हैं, दवाइयाँ वगैरह कुछ अफेक्ट नहीं करती हमें, तो मैंने डॉक्टर अब्दुल समद के यहाँ पे आई सेमिनार पे और मैंने तजुर्बा जिसे कहते हैं वो किया, समदा हीलिंग का कोर्स किया। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सब बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मेदे की दर्द ये वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं एक पावरफुल, एक इतनी अच्छी पावरफुल गर्ल बन गई हूँ कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि ना मैं मुझे क्या मिल चुका है। लेकिन मेरे सब बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो डॉक्टर से पैसे ज़ाया करते हो, डॉक्टर के पास पैसे ज़ाया करना एक अलग सी बात है, लेकिन आप यहाँ पर आओ, ये कोर्सेस करो, देखो आप में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आपकी वो क्या कहते हैं कि आपके अंदर जो है ना, आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छी आप एनर्जी आपके मिलती है। तो प्लीज़ आप आओ, बिलीव करो, यहाँ पे आप कोई किसी के ना सुनो,
मतलब कि आपको बहुत से लोग बहुत बहुत अलग की बातें करेंगे, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन नहीं गलत है। लेकिन समदा हीलिंग बहुत अच्छी एनर्जी है सर, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पावर मिलती है, आपकी सब बीमारियाँ खत्म होती है। प्लीज़ आप सब आओ और यहाँ पे कोर्सेज करो, इंशाल्लाह ताला आप बहुत परफेक्ट अशफ़ महलूकात बन जाओगे इंशाल्लाह ताला। मेरा सब फैन भाइयों को ये पैगाम है और सर अल्लाह ताला दे बहुत बहुत कामयाबियाँ दे। जिम्मेदार कब बनते हैं इंसान? जब वो सेहतमंद हो, उन्हें हर चीज़ अच्छे लगेंगे। सक्सेसफुल जिंदगी गुजारने के लिए क्या जरूरी है? सेहत। इंसान की कामयाबी का सबसे बड़ा सीढ़ी कौन से है? सेहत है। मगर लोग पता है आप में से 95% लोग सेहत को तरजीह नहीं देते। पता है किस चीज को तरजीह देते? पैसा, शोहरत। पैसा, शोहरत उसी कामयाबी कहते हैं। आप में से 95% लोग ऐसा है। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले सेहत। 95% लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले वो जानता है कि सेहत होना चाहिए, मगर इस तरीके से जो एक्सप्लेन हुआ आज, मुझे उम्मीद है आज आप अपने सेहत का हर सूरत में ख्याल रखेंगे। इस वजह से सेहत क्या है? सेहत हमारे लिए क्या है? सबसे पहले सीढ़ी कामयाबी की, किसी भी काम में सबसे पहले सीढ़ी कामयाबी के मान लिए सेहत है। और बिलखसूस नेचुरल सेहत हमारे लिए बड़ी जरूरी है। हम आते हैं कि समदा हीलिंग सिस्टम वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी क्यों कहते हैं, कि कैसे पॉसिबल है कि आज के मॉडर्निज्म की दुनिया में जो हम बिल्कुल एक मशीन बन चुके हैं, मशीन का पूजा बन चुके हैं हम, मशीन के अलावा हमारा कोई किसी किस्म की कोई पॉसिबल नहीं है कि मशीन अगर नहीं है तो यहाँ तक कैसे पहुँचते। इस तरह के मशीन का हमें तैयार होता आज है। फ्रिज है आपके घर में, ओवन है आपकी, गाड़ी है आपकी, बिजली है आपकी, आपके कंप्यूटर है, आपके मोबाइल है, आपकी तमाम चीज़ें हैं घर में। जो अगर इस तरह चीज़ें नहीं है, आपका हीटर है और आपका एसी वगैरह पंखा है, ये चीज़ें नहीं है तो हम आपको कैसा लगेगा? आपके घर में अगर कोई शख्स आते हुए तो आपको कैसे लगेगा और उनको कैसे लगेगा? इसलिए हम मशीन का इतना एहतियाज मोहताज हो गई है कि हमारी मशीन के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। 99% हम ऐसे एक मशीन का एहतियाज मोहताज हो गए, हमने खुद बनाई ये चीजें, हम सोलियात कहते हैं इसे। मगर इसी मशीन के साथ साथ इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं जिसका इलाज नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हमारे मेडिकल साइंस, मगर उसमें इलाज नहीं है बीमारी का। कुछ बीमारियां तो क्योर हो सकता है, कुछ बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं है, इलाज ही नहीं है उसमें। तो हमें एक नेचुरल तरीका को इख्तियार करना चाहिए और हमें एक ऐसे चैलेंज लाने चाहिए जो मेडिकल में जो क्योर नहीं हो रही वो इसी मैदान पे क्योर होना चाहिए। और ये होता है, बिल्कुल होता है, ये सच है, ये सच्चाई है कि हम अगर अपने फ्रिक्वेंसी को इस तरीके से कनेक्ट करके कायनात के साथ, हमें ये पावर आते हैं और अल्लाह हमें देते हैं। और अल्लाह ने फर्ज बनाए कि हम ऐसे तरीके से इलाज करें जो जिसका नुकसान नहीं, जिसका कोई आपको नुकसान नहीं। समदा हीलिंग एनर्जी की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसके किसी किस्म के। आपके लिए एक नेचुरल तरीका इलाज है, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जिस तरह मेडिकल में हर मेडिसिन का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट्स है कि एक सिस्टम तो क्योर होते दूसरे सिस्टम पे बुरा असरात डालते ही, तो इस तरह समदा में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया, किसी एक को एक जरे बराबर कोई नुकसान नहीं हुआ, एक जरे बराबर कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। आज आप सेशन लेते हैं और कल आते हैं, आप
यहाँ पर बैठे हुए खुद मेरे से मैं इस शेयर पे बैठ के आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे मेरे से, मैं एक एक से पूछूंगा, आप बताएं कि आपको यहाँ से पूछते हुए कल आपने समदा हीलिंग एनर्जी के दो लेवल लिए, आज आपने कितना फर्क है, कितना बेहतर है, कितने चेंज है आपने, आप बल्कि न तरह के हमारी बीमारी क्योर होना बल्कि हमारी बिहेवियर में भी चेंज ले आते, बेहतरी ले आते। समदा हीलिंग एनर्जी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं, मकसद हम जो भी करते हैं इस मैदान पे होते है सारा कुछ, सच्चाई आपका यही पे होते है जहाँ पर बैठे हुए आप इस चेयर पे आप बैठे हुए इसी चेयर पे कल बैठेंगे और इसी पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। यानी कोई छुपा छुपाई चीज नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम यहाँ करते हैं, मेडिकल की तरह नहीं कि आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख लिए और पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे क्या होगा कैसे होगा, कोई किसी किस्म के आपको कोई वो नहीं होते है भरोसा, बल्कि खुद डॉक्टर को नहीं होते, शोर नहीं होते और उसके साइड इफेक्ट हजारों होते हैं, फिर एक डॉक्टर को छोड़ते हुए दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, इस तरह कोई नेचुरल तरीका जो दीन के हवाले से भी अच्छे हो, रवायत रखते हो, जो मजहब के हवाले से अच्छे हो, जो हमारे अखलाक के हवाले से अच्छे हो, जो साइंस के हवाले से भी अच्छे हो, जो तमाम चीजों के हवाले से बेस्ट और बेहतरीन हो, वही तरीका हमें अपनाना चाहिए, बेस्ट और बेस्ट तरीका। हम आते हैं शिफा किसकी तरफ से होती है, क्योंकि लाइल्मी एक ऐसी चीज है, लाइल्मी एक ऐसी बदतरीन चीज है जो कि कोई भी चीज अगर आपको इलम नहीं है उसके बारे में आप नेगेटिव सोचते हैं, इंसान नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी चीज अगर आपके इलम में नहीं है तो हम क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। तो इसलिए शिफा एक चीज याद रखें, क्योंकि बहुत से लोगों के दीन के हवाले से दीन का भी इतना नहीं पता कि दीन में शिफा का रोल क्या है, शिफा किसकी तरफ से होते हैं, शिफा में जाने बल्ला है अल्लाह देते हैं, है ना। तो फिर समझा एक प्योरिटी स्पिरिचुअल पावर है, ताकत है, फोर्स है दीन के हवाले से, और साइंस के हवाले से वो चीज जो नुकसान नहीं देते इंसान को, जो इंसान के लिए अच्छा है वो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव पावर। तो समदा मेन लाइफ एंड हीलिंग पावर, समदा का मतलब है लाइफ एंड हीलिंग पावर, लाइफ फोर्स हमारे गोश्त गोश्त खून हड्डियां, और हीलिंग पावर जो हमें इस गोश्त गोश्त खून हड्डियों को हील करते हैं, मेंटेन रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, समदा, समदा हीलिंग पावर, समदा में लाइफ एंड हीलिंग पावर। इसलिए हमारे वजूद जो है हर लज़ा मेंटेन होती है तमाम चीजें, समदा या शिफा ले ले जो भी नाम लेना चाहते हैं आप, शिफा नाम ले लें, शिफा, शिफा अल्लाह की तरफ से, शिफा अल्लाह की तरफ से, और समदा में लाइफ एंड हीलिंग पावर में शिफा, शिफा में जानिब अल्लाह है, और ये क्लियरिटी आपके माइंड में होना चाहिए कि खुदा ने कहा आप कोई नेगेटिव ना सोचे, क्योंकि इंसान कुफर की तरफ जाता है दीन के हवाले से, शिफा के लिए अगर कोई नेगेटिव सोचता है क्या होता है, कुफर है। तो इस वजह से शिफा जो है वो पॉजिटिव ताकत है, पावर है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कहीं नागा ना हो जाए, खुदा ना करता कोई आपको ऐसा गुनाह ना करे कि वो गुनाह कबीरा बनता ही है, कि अगर आप शिफा के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं तो फिर तो आपका माहौल कितना नेगेटिव हो चुका होगा, आपका रिश्तों में क्या हालत होगा, आपके तमाम चीजों में क्या हालत होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी मुंतशिर होंगी, आपकी कैफियत कैसे होंगे, आपकी मेमोरी काम नहीं कर रहे होंगे, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपकी जहानत सही नहीं होंगे। तो इस वजह से हमें सबसे ज्यादा
क्लियरिटी जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है जो मैंने आपसे कही, शिफा मिन जानिब अल्लाह, ठीक है। और समदा का मतलब लाइफ एंड हीलिंग पावर, शिफाई और हयाती ताकतें, तो इसलिए शिफा जो है अल्लाह की तरफ से। और इस पे अगर कोई नेगेटिव सोचते हैं तो वो बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी गुनाह है जी। अच्छा, हम आते हैं तो समदा का बेनिफिट्स ऑफ समदा क्या है। मैं डॉक्टर साहब का तकरीबन 8-9 साल पुराना स्टूडेंट हूँ और मैंने काफ़ी लोगों को हील किया, उनमें से अभी अपना जो है एक काफ़ी एजड इंसान है, वो बिल्कुल ब्लाइंड थे, तो उन्होंने दो दफ़ा ऑपरेशन करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं हो सके थे। फिर उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा नंबर लिया, उन्होंने कहा कि यार आप मुझे हीलिंग भेज दें। मैंने उनको तकरीबन 3 माह तक हीलिंग भेजी है और वो बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो देख सकते हैं लेकिन पहले वो बिल्कुल नहीं देख सकते थे। इसके अलावा काफ़ी ऐसे जो हैं सर के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे लेकिन उनको मैंने ठीक किया। मैं डिस्टेंस हीलिंग से ज़्यादा करता हूँ, रात 9 बजे से लेके फिर तकरीबन 11-12 बजे तक मेरा डिस्टेंस हीलिंग का टाइम होता है। लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं डिस्टेंस हीलिंग कर देता हूँ, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैंने तकरीबन 500 की गुर्दे की पत्थरियाँ भी निकाली हैं डिस्टेंस हीलिंग से। इसके अलावा डायबिटीज़ का कंट्रोल हुआ है काफ़ी, और एक कैंसर के 2-3 मरीज को मैंने ठीक किया। तो जो समदा हीलिंग एनर्जी है, ये डॉक्टर साहब जो हमें सिखाते हैं, हमारे लिए वो एक रिश्ते की तरह है, एक मसीहा की तरह है जो हमें वो सिखा रहे हैं, और हमें वो लोगों के मदद के लिए जो हमें सिखाते हैं ये बड़ा बेहतरीन है। मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं जो हमें करवा रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिससे कि तकरीबन 100% जो रिजल्ट्स हमें मिले, लेकिन डॉक्टर समद के करवाने की वजह से हमें 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और मैं यही डिसाइड करूंगा कि जो दूसरे लोग जिनको पता नहीं है इस सिलसिले में, वो इस तरफ रुजू करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा लें, और लोगों की जो बीमारियाँ हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह ठीक होती हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि सफ़र में जाते हुए मैंने कई लोगों को इस तरह किया है कि किसी को प्रॉब्लम है, गाड़ी में जा रहा हूँ या किसी जगह पे सफ़र कर रहा हूँ, तो उसी टाइम लोग ठीक हो जाते हैं। एक मरीज थे, उनको 10 साल पुराना पेन था जो कि कमर की दर्द थी, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, हालांकि बाहर हॉलैंड से भी उन्होंने इलाज कराया था, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। सिर्फ 5 मिनट की हीलिंग मैंने दी है और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये एनर्जी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और हम सबको चाहिए कि हम इसको ना सीखें और ये कोशिश करें। रिपोर्ट 7 पहले मैंने जो ऑपरेशन कराया लीगल से, ठीक है, बहुत अच्छा ऑपरेशन। उसके बाद मैंने ये रहमत आई से मैंने ऑपरेशन कराया, सही हुआ। उसके बाद पता नहीं रिएक्शन हुआ उसका क्या हुआ, उसका दोनों आँखों पर अफेक्ट हुआ। बहर मैंने ये डॉक्टर समद से अपना हेल्थ के सेमिनार में भी शामिल हुआ, जैसे भी मैं उसे फोन पे मतलब उनसे डिस्कस करता, तो उससे मेरी आँखों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं कहता हूँ कि जो हीलिंग है ये बेहतरीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर समद इज अ ग्रेट द किंग ऑफ किंग, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ तब से, 2 साल पहले मैं ऐसे ऊपर आसमान को सर करके, तो वो मैं डॉक्टर समद करता था, डॉक्टर समद एकदम रोशनी आनी शुरू हो जाती। ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो मैंने उनको अपना उस्ताद माना हुआ था, जब भी मैं बात करता था डॉक्टर समद सर, मेरे को जवाब देने बड़ा कुछ वो मिलता था। वो एक्चुअली मैं आज इधर आया हूँ सेमिनार के अंदर, डॉक्टर साहब से मिला भी, उनकी तकरीर भी सुनी, उनसे काफ़ी हमने वो अपना फ़ायदा उठाया। मेरी आँख में प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर समद ने मेरे को देखा, मेरी आँखें देख के 1A to Z हो गई, तो मैं बड़ा मशहूर हूँ। वो डॉक्टर समद इज द किंग ऑफ किंग, इज द बेस्ट प्रोफेसर। ये जापान हीलिंग शीलिंग क्या करेंगे जो प्रोफेसर डॉक्टर समद साहब करते हैं। ये कैंसर के मरीज को भी
لاعلاج کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. وہاں میرے بھانجا اس کا نام جزان ہے, اس کی ہیلنگ کرائی لیکن کسی اور وجہ سے, لیکن اب وہ مجھے امید ہے کہ میرا بھانجا وہ بھی صحیح ہو رہا ہے, آستہ ٹھیک ہو جائے. اس کا نام فیضان. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر سمد کو میں جب بھی روشنی کی طرف دیکھتا تھا نا صبح کو اٹھ کے, اگر ڈاکٹر سمد آپ یہاں پر ہیں یقین کر روشنی آتی ڈاکٹر سمد, اس کے بعد مجھے بڑے زیادہ میں نے ان کو اپنا استاد مان لیا ڈاکٹر سمد. حقیقت میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں حقیقت کے اندر, لیکن از اے کریٹ یا کنگ آف کنگ, میں تو بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہوں. میں بہت پسند کیا اس لیے کہ میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اس آداب کو چھوڑ سکتے ہیں سمدا کے تھرو, ساتھ میں بہت سے عادات ہیں, عادات کبھی کبھی لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا ایک عادت بن چکی, نیند کا نہ آنا ایک عادت بن چکی. عادت بھی ہوتے ہیں کوئی پرابلم بھی ہوتے ہیں, مگر بہت سے لوگوں کی عادت بن چکی کیونکہ گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے جو نیند کا ماحول ہو, کیونکہ ٹی وی ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, آلات ایسے ہیں تو بس پھر آنا جانا ہوتا ہی ہے, وہ اس طرح کی رات کو انسان سو نہیں سکتا ہے اور صبح فریش نہیں اٹھتا ہے, ان نیچرل لائف ہے. یہ سمدا کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی ایسی چیزیں ہیں جس طرح کی تمباکو نوشی ہے اور بہت سی نوشیز ہیں, تو یہ چیزیں آپ دور کر سکتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. یہ آپ پاسبل ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے باڈی کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ جس طرح کے مثلاً پان ہے اور بہت سے لوگ جو ہے نا جیو خریدنے سے استعمال کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی عادت ہو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم آتے ہیں کہ اور سے عادت بہت سے ہوتے ہیں, عادت بن جاتے ہیں انسان کی چڑچڑاپن, گھر میں اتنا برا کیفیت ہوتی ہے اور باہر صحیح ہوتے ہیں, آفس میں بالکل ایک ایسا عجیب غریب سلوک کرتا ہے گھر میں صحیح ہوتا ہے. یعنی چڑچڑاپن اور یہ غصہ وغیرہ ہماری عادت بن چکے ہیں, تو ہم اس عادت کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کے تھرو آج یہ فنش کر سکتے ہیں, سمدا کے تھرو بالکل ختم ہوتے, بلکہ آج ہی کل آپ خود بتائیں گے انشاءاللہ کہ میرے میں وہ کیفیت میرے میں نہیں ہے, میرے میں تحمل ہے برداشت ہے. جو گریٹ انسان ہوتا ہے جو عظیم شخصیات ہوتے ہیں میرے اندر ایک ایسی تحمل برداشت بردباری ایسا طاقت ہے میرے میں, جیسا کہ ایک ایسا ایک گریٹ انسان ایکٹ کرتے ہیں میں بھی اسی طرح سلوک کرتا ہوں. میں شازیہ جبین لاہور سے بات کر رہی ہوں جی. میں نے پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھا ہے حق ٹی وی پہ, سر کا پروگرام ڈاکٹر عبد الصمد, تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا اور میں نے پھر کورس کرنے کا ارادہ کیا ہے جی, تو جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. میں نے اس وقت 8 لیول کر لی ہے اور چونکہ میں خود جوڑوں کی درد کی مریضہ تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت شفا دی ہے اور اس میں ہر طرح کا علاج ہے اس کے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں بہت مجھے فائدہ ہوا ہے اور میں نے دوسروں کا بھی علاج کیا ہے, مجھے اس میں بھی بہت زیادہ اچھا رزلٹ ملا ہے. جس میں میرے بھائی ہیں ان کو کینسر تھا تو لاسٹ سٹیج پہ تھے کہ بالکل کھانا پینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا, تو میں نے ان کو ہیلنگ کی ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ وہ کھا پی رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں, بڑا اللہ کا شکر. اور میں خود بھی یہ جوڑوں کی درد کی مریض ہوں, یہ میرے جوائنٹس بالکل ٹیڑھے تھے, اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھوں میں کافی موومنٹ ہے اور میں کافی دیتا ہوں. اسی طرح میں نے کیا ہے جن کے اوپر جنات وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی میں نے علاج کیا ہے اور مجھے اس میں بھی بہت اچھا رزلٹ ملا. 22 سال سے ایک انسان ہیں ہمارے جاننے والے, ان کا میں نے علاج کیا تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کے اوپر جتنی نگیٹو چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی. پھر میں نے جادو ٹونے والوں کا بھی علاج کیا ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تقریباً بہت ہی اچھا جس معاملے میں بھی گئے, جو نفسیاتی مریض ہیں ان کو بھی میں نے علاج کیا, جن کو باقاعدہ دورے پڑتے تھے کہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے ان کا بھی میں نے علاج کیا, وہ بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور فون پہ بھی میں کرتی ہوں جی, تو فون پہ میں نے جن جن کو بھی ہیلنگ کی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئے. البتہ میں تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی کریں
बहुत अच्छा है, और जितनी भी और दुआएं करें डॉक्टर अब्दुल समद के लिए, जितनी हो सके दुआएं करें, क्योंकि मैं कहूंगी कि इस दौर में ये इलाज अल्लाह ताला का ख़ास तोहफा है, और ये खुश नसीबों को नसीब होता है, क्योंकि हर एक को ये अल्लाह ताला ने ये अता करते हैं, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उनको तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। और मैं तो अपने दिल की गहराइयों से इनके लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला इनको ता देर सलामत रखे और ये अपने फैज से हमें नवाजते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। لاہور سے جی میرا تعلق ہے، اور ایک سال ہو گئے سمدا ہیلنگ انرجی ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی 14-15 سال سے اس شعبے سے میرا تعلق ہے، میری فقیری سے، اور اب جب سے سمدا سیکھی ہے تو بہت ذہنی قلبی سکون ہے، اور جس کو بھی سمدا ہیلنگ انرجی ہیلنگ کرتے ہیں الحمدللہ وہ بہت پازیٹیو جواب دیتا ہے، اور پاکستان سے باہر بھی جا کے میں نے اس پہ کام کیا ہے الحمدللہ، لوگوں کو بہت شفا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے، جو جن کے جوڑ جام ہو گئے تھے، معذور ہو گئے تھے بالکل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفائی کل عطا فرما دی رب العالمین۔ اللہ کا اور ڈاکٹر عبدل صمد صاحب کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے، ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ میرا نام صوفی خاک سار احمد قادری جہانگیری، لاہور ماڈل ٹاؤن میں میری رہائش ہے، اور عرصہ ایک سال سے ڈاکٹر صاحب سے یہ سمدا کا پیغام پایا، اور اتنا مفید پایا، سب سے پہلے تو اپنی جان پر اس کو لاگو کیا، تو جو تنگیاں تھیں وجود کی اور جو کمیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی، اور پھر جب لوگوں پر اس کو اپلائی کیا تو ایسے زرس ملے جو عقل حیران ہو جاتی ہے، لا علاج قسم کے لوگوں کا علاج ہوا، صاحب اولاد تھے جن کی اولاد نہیں تھی، اور خاص طور پر کینسر کے مریضوں پر بہت زیادہ اچھا اثر ہوا، اور لانگ ڈسٹینس ہیلنگ دی، دور انڈونیشیا میں صاحب 6 مہینے سے احتشام سا بے ہوش تھے برین ہیمریج کی وجہ سے، اسلام آباد سے میں نے ان کو ہیلنگ بھیجی تو تیسرے دن وہ انہوں نے آنکھیں کھول دی، اور بحث ناروے میں بھی ہیلنگ دی، میاں بیوی بہت جھگڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت مہربانی فرمائی، پھر وہ ملنے کے لیے مجھے وہ ناروے سے ادھر آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، دن رات میرا اسی میں کام میں مشغول ہوں میں، میں شکر اللہ کرتا ہوں ہیلنگ کی ساری، یہ میرا پیشہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے رزلٹس اتنے اچھے ملتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے، کوئی آج تک مجھے اس میں فلور نہیں ہوا، ایک کامیابی ملتی ہے، خاص طور پر لوگوں کے جو منفی سوچیں ہیں وہ ہیلنگ سے ختم ہوتی ہیں، لوگوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، خاص طور پر جو طریقت والے لوگ ہیں ان کی روحانی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور جو بے چین لوگ ہیں جو خاص طور پر ڈپریشن میں مبتلا ہیں ان کی ڈپریشن اس کی وجہ دور ہو جاتی ہے، 2-3 دن کے اندر وہ اتنے پازیٹیو تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جو مخلوم لوگ ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لا علاج جو ڈاکٹر نے قرار دے دی وہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بہت سارے کیسز ایسے جن کی شادیاں نہیں تھیں، لیٹ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی شادیاں بھی سر انجام ہوئیں، اور یہ بہت ہی تیزی سے رزلٹس ملتے ہیں اس کام کے، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد الصمد صاحب کو، ڈاکٹر وزیر خالدہ صاحبہ کو ان کے حال پر بہت زیادہ مہربانیاں فرمائے، انہوں نے ہمیں اسراری علوم سے آگاہ کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا، اور ہمیں انہوں نے سکھایا، تو
ہم دوسروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں یا فیضیاب ہوں. یہ ناممکنات کی دنیا نہیں ہے. سب ہر باہر جو کام ناممکن ہے ادھر ممکن ہو جاتے ہیں. آپ خاص طور پر بندے کے جسم سے جو منفی سوچیں ہیں وہ جو خارج ہوتی ہیں اس کا جواب نہیں ہے, اور ڈپریشن بھی نہیں رہتی. امید کی دنیا میں بندہ چلا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو حاصل کریں اور پھیلائیں اس کرم کو. میں گزارش کرتا ہوں سب سے جو ناظرین ہیں, جو سننے والے لوگ ہیں, وہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. دیکھیں پھر ڈاکٹر صاحب کو جا پاس دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کمال کرتا ہے بندے کے ساتھ. انہوں نے جو محنت فرمائی ہے وہ سب کے لیے یکساں تقسیم فرماتے ہیں. اس کے حاصل کرنے والے لوگوں کے اوپر میرا بہت رابطہ رہتا ہے, خاص طور پر یہ صاحب ہندوستان خاص کے ساتھ بھی, اور بھی جو ہمارے امرتسر لوگ ہیں جنہوں نے ہم نے اکٹھے سیکھا ہے کام. تو سب کا معاملہ اتنا اچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے کام میں اضافہ فرمائے اور مخلوقات کو فیضیاب کرے. آج لوگ بہت دکھی ہیں, خاص طور پر معاشی طور پر بڑے پریشان ہیں, ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں. بیماریاں ایسی ہیں کہ جو لا علاج ہو گئی ہیں بہت ساری. یہ سمدا ہیلنگ میں ڈاکٹر صاحب کی مہربانی کی وجہ سے بغیر میڈیسن کے یہ علاج ہوتا ہے. بہت بڑے آدمی نے شیشہ چھڑایا ہے لوگوں سے, شیشہ پہ ٹرنکولائزر سے سوتے تھے 10 سال سے, وہ گولیاں چھڑا دی ہیں. اس سمدا ہیلنگ سے ان کو نیند آتی ہے, بڑی ایسی آتی ہے جس سے وہ تھکن ان کی دور ہو جاتی ہے. اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو رہے ہیں جو بالکل ہونے والے ممکن نہیں ہوتے, سمدا ہیلنگ سے وہ ممکن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے زیادہ زیادہ فیضیاب ہوں اور اس کو علم کو حاصل کرنے کے بعد مخلوقات خدا میں بانٹیں گے. اللہ تعالیٰ کو بندے جو بہت پسند ہے جو دوسروں کو سکھ پہنچاتے ہیں, تو یہ وہ علم ہے سمدا ہیلنگ والا کہ دوسروں کے دکھوں کو دور کرتا ہے اور سکھ میں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرنے کی سب کو توفیق دے اور اس کو پھیلانے کی بھی ہمیں توفیق دے. میرا نام صوفی نذیر احمد ہے, پچھرا لاہور سے میرا تعلق ہے, اور میں ہمارے پیر صاحب ہیں پیر خان محمد انور خان صاحب, ان کے آستانے پہ میں آج 7-8 سال سے بیٹھتا ہوں شام کو. تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں نے ڈاکٹر عبدل سمد صاحب سے ملاقات ہوئی میری. تو میں نے 1-4 level سمدا کیا ہے, تو اس میں مجھے ذہنی قلبی سکون تو ہوا ہے. اور میں نے جو لوگوں کو آستانے پہ جو لوگ آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان پہ جب میں نے یہ ٹرائی کیا تو اس کو میں نے بہت ہی زبردست جو اس کو پایا ہے. ڈاکٹر صاحب کے قول کہ آپ نے جو ہے نا سوچ اس کو پازیٹیو رکھیں, نیگیٹو سے بچنے کی کوشش کریں, تو آپ کے مسائل جو ہے نا خود جو ہے نا حل ہونے شروع ہو جائے. اسی کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کرتا ہوں. تو ایسے بھی بچے بھی آ جاتے ہیں, بڑے بھی آتے ہیں, بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے نا ذہن جو ہے نا پڑھنے میں نہیں لگتا. تو جب ان کو میں کرتا ہوں ہیلنگ کرتا ہوں تو دوسرے دن وہ وقت سے پہلے ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج ہمیں جو ہے نا بہت کم عرصے میں ہمارا جو ہے نا سبق وہ جو ہے نا وہ یاد ہو گیا ہے. تو اس طرح ان کو تو میں نے یہ محسوس کیا ہے 1 سال کے عرصے میں کہ جو مہمان آتے ہیں ان کی جو خدمت کرتے ہیں لیکن ان خود جو ہیلنگ کرتا ہے انسان اس کے بہت پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. اس کے خاص طور پہ خود کی اور ہوتا ہے, اس کی ذہنی قلبی اس کو سکون ملتا ہے بیماریوں سے, اس کو خود بخود بھی شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جو کسی کے سوچ جو ہے نا پازیٹیو رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ہمیں اس فیلڈ میں لے کے آئے, اور اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پہ بڑا کرم ہو گیا کہ یہ ہمارے مسئلے جو ہیں اور وہ بھی حل ہو گئے, اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس سے بہت ہیلپ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو مزید اس میں آگے لیول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عمر لینا رب بلا 1 سال ہو گیا مجھے سمدا ہیلنگ ڈاکٹر عبدل سمد سے سیکھتے ہوئے. اس میں میں نے میں پیر خان محمد انور خان صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں. تقریباً عرصہ مجھے
6-7 साल हो गए। तो एक दिन पीर साहब ने मुझे कहा कि चलो बॉक्सर चलते हैं डॉक्टर अब्दुल समद साहब के पास, उनसे हीलिंग पावर सीखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है पीर साहब चलते हैं। तो पीर साहब लेकर आए हमें डॉक्टर अब्दुल समद साहब के पास, वहाँ से हमने हीलिंग पावर सीखी। तो उसकी इतने ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले कि पहले दिन से ही हमने उसी टाइम ही जब हमने कोर्स सीखा लेवल 1 किया और करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा दूसरों के ऊपर अभी अप्लाई करें इंशाल्लाह उनको उनकी जो दर्दें जो तकलीफ होगी वो भी से दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह ही हमने जब लेवल 1 किया उसके बाद फिर हमने हीलिंग देना शुरू की लोगों को, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और जब अगले दिन हम आए तो लोगों ने कहा कि हमें एक नई ज़िंदगी मिली, बल्कि मैंने खुद जाके अपने घर में अपनी वालदा को वालिद को अपने वालिद साहब को उनके घुटनों में दर्द होती थी, तो काफ़ी पुरानी दर्द थी उनके घुटनों की, वो भी ख़त्म हो गई। इसी तरह काफ़ी दोस्तों का मैंने इलाज करना शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और इच्छा में मेरा क्लब है मार्शल आर्ट्स अकेडमी मेरी है वहाँ पे मैं पहले तो काफ़ी स्टूडेंट मेरे पास आते थे, अब तो ऐसा है कि स्टूडेंट कम मरीज़ जो है वो ज़्यादा उधर से फैज़याब हो रहा है, उनको इतना फैज़ हो गया है। कोई किसी स्टूडेंट की टांग में दर्द है वो भी ठीक हो जाता है, किसी के घुटने में दर्द है वो भी ठीक हो जाती है। कि एक दिन था कि एक दोस्त बैठा हुआ था वहाँ पे क्लब के अंदर, उसको अचानक ही एक किसी कीड़े ने काटा, तो बहुत ही वो तकलीफ से वो परेशान हो गया, रोना शुरू कर दिया उसने। मुझे उसकी आवाज़ आई तो मैंने कहा ये क्या हो गया भाई आपको, उसने बोला कि मुझे इस तरह कीड़े ने काट लिया। मैंने उसको हीलिंग देना शुरू की, तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने कहा कि मेरी दर्द आसी भाई ख़त्म हो गई है। तो फिर ऐसा ऐसा उसने अपने नानाबू का मेरा तारुफ कराया, नानाबू से उनके शराने की दो वेंस बंद थी, तो मैंने ना उनको देखा सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी मैंने, तो उनका मैंने इलाज शुरू किया। तकरीबन 15 दिन लगे उनके ऊपर, और उनकी वो जो शराने की वेंस थी वो बंद कह रहे थे डॉक्टर कह रहे थे बंद थी, वो खुल चुकी। जब उन्होंने उनका टेस्ट करवाया अपना जाके, तो डॉक्टर ने कहा आपकी तो वेंस कभी बंद ही नहीं हुई, आपको किसने कहा आपकी वेंस बंद है। फिर वो इतना खुश हुए, वो कहते जी आप मुझे मिले उनके पास लेकर जाएं। इस तरह करते करते काफ़ी मैंने इलाज अल्लाह का शुक्र है कर रहा हूँ। एक बच्ची है उसके बाजू जो है वो बदायशी वो हिल नहीं सकता, उसमें पावर ही अल्लाह ताला की तरफ से बदायशी, उसके अंदर पावर नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी अब ये है कि वो बिल्कुल फिट हो गई है। वो छोटी अपनी तोतली सी आवाज़ में कहती है अंकल जी मुझे दम तलें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसकी वो दुआ कबूल कर ली, और उसकी जो हीलिंग पावर से डॉक्टर साहब ने जो हमें हीलिंग पावर सिखाई उस पावर से अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता फरमा दी। इसी तरह मज़ीद काफ़ी इलाज कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अपना भी इलाज कर रहे हैं खुद। हम पहले तो ऐसा था कि हम गेम करते हुए थक जाते थे, अब तो ऐसा है कि हम थकने का नाम ही नहीं लेते, ऐसी पावर आ चुकी है। हम खुद तो ठीक हुए लेकिन दूसरों का भी हम अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। अल्लाह ताला सबको ये हिम्मत दे कि इस लेवल इसमें आए। मेरी तो सबसे ये गुजारिश है कि आप आए या आकर डॉक्टर साहब से ये हीलिंग सीखें और अपना भी इलाज करें और अदर्स का भी इलाज करें। हम दूसरी नेगेटिविटी इन चीज़ों पे अक्सर दूसरे जो होते हैं हमारी जो डॉक्टर्स पे इतना पैसा लगा देते हैं, इतने इलाज करवाते हैं, इतनी मेडिसिन लेते हैं, स्टेरॉइड हमें लेनी पड़ जाती है बाजार, और हमारी इससे फिर भी बीमारियाँ जो है वो ठीक नहीं होती। मैं कहता हूँ कि सभी जो दोस्त हमारे जो भी हैं मेहमान जितने भी जो भी यहाँ आए वो जो ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि वो आए डॉक्टर अब्दुल समद साहब से हीलिंग पावर सीखें और अपना इलाज करें और अदर्स का भी इलाज करें।